रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे जब हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर से करंट फ्लो करती है एंड उससे हीट प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ आई स्क्वायर आर लॉस पर डिपेंड रहता है सप्लाई सोर्स आइदर ए और डी हो सकता है विथ सुटेबल वोल्टेज एंड फ्रीकवेंसी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग के हेल्प से अबाउट थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हिटिंग दो टाइप का होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हिटिंग एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हिटिंग इस लेक्चर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हीटिंग को काफी डिटेल में समझेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हिटिंग फर्नेस के डेप्थ में हाई रेजिस्टेंस मटेरियल को रखते हैं जिसको मेल्ट करना होता है जिस मटेरियल को मेल्ट करना रहता है उसको चार्ज भी बोला जाता है जो चार्ज है वो पीसेज पाउडर या फिर लिक्विड स्टेट में हो सकता है दो इलेक्ट्रोड चार्ज के साथ डायरेक्टली इमर्ज रहता है मतलब चार्ज के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है फर्नेस के इनर वॉल पर रिफेक्ट्री लाइनिंग करते हैं ताकि हाई टेम्परेचर को जो फर्नेस है वो इजीली सस्टेन कर सके एंड अगर थ्री फेज एसी सप्लाई से ऑपरेट करना होगा तो थ्री इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड चार्ज मटेरियल के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है इसलिए इस मेथड को डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड बोलते हैं जब इलेक्ट्रोड्स के क्रोस इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज के अलोंग करंट फ्लो करती है सिंस चार्ज का रेजिस्टेंस हाई रहता है सो वहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस होता है एंड उस चार्ज मटेरियल के क्रोस हीट जनरेट होने लगता है इस प्रोसेस में चार्ज के कारण हीट प्रोड्यूस होती है सो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इफिशियंसी हायर होता है एकॉर्डिंग टू जूल्स फर्स्ट लो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आर टी वेर क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट I इज द करेंट फ्लोस थ्रू कंडक्टर आर इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द चार्ज एंड टी इज द टाइम एकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन से जब किसी हाई रेजिस्टिव कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ जनरली साल्ट बाथ फर्नेस में किया जाता है जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बिटवीन 500 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है साल्ट बाथ का यूज़ मैकेनिकल कंपोनेंट ट्रीटमेंट्स एंड हार्डनिंग टेम्परिंग जैसे प्रोसेस के लिए किया जाता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ एज अ वाटर हीटर किया जाता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एफिशिएंसी हायर होता है क्योंकि जो हीट है वो डायरेक्टली चार्ज मटेरियल में जेनरेट होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है वो यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करता है एट हाई टेम्परेचर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट हीटिंग इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम लोग हीटिंग एलिमेंट का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई रहता है इस प्रोसेस में जो हीटिंग एलिमेंट है वो चार्ज के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है एंड यहाँ पर भी फर्नेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फर्नेस के इनर वॉल पर रिफेक्ट्री लाइनिंग करते हैं दैट इज़ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल एंड जब हाई रेजिस्टिव एलिमेंट से करंट फ्लो करती है तो ड्यू टू आई स्क्वायर आर लोस, करेंट हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू चार्ज मटेरियल में हीट ट्रांसफर होती है एंड चार्ज मटेरियल उस हीट को रिसीव करके हाईली हीट और मेल्ट होता है इस प्रोसेस में जो हीट है वो चार्ज मटेरियल में डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती है इसलिए इस टाइप के हीटिंग को इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं सिंस इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होती है सो टोटल जनरेटेड हीट चार्ज में ट्रांसफ़र नहीं होती है सो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इफ़ेंसी जो है वो रिलेटिवली लो होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के साथ ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जा सकता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ डोमेस्टिक सच एज रूम हीटर इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा में किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ओवेंस में इसका यूज किया जाता है नाउ डायरेक्ट हीटिंग एंड इनडायरेक्ट हीटिंग के बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को समझेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो डायरेक्टली चार्ज के थ्रू होता है जबकि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हिटिंग में जो करेंट है वो हाई रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट से फ्लो करती है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हिटिंग में जो हीट है वो डायरेक्टली चार्ज में प्रोड्यूस होता है जबकि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हीटिंग एलिमेंट में हीट प्रोड्यूस होता है एंड रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू चार्ज में हीट ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एफिसियंसी हायर होता है क्योंकि जो हीट है वो डायरेक्टली चार्ज में प्रोड्यूस हो रहा है जबकि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जो हीट है वो रेडिएशन प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है सो कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जाता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोड बॉयलर जिसके हेल्प से हम लोग वाटर को हीट करते हैं एंड नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग वहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज करते हैं जबकि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल होगा रूम हीटर्स डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल कुकिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स मेटल्स का हीट ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जनरली इनडायरेक्ट हीटिंग का यूज करते हैं कुछ हीटिंग एलिमेंट को हम लोग देखते हैं जिसके हेल्प से चार्ज में हीट ट्रांसफ़र होता है लाइक अलोय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम जिसमें 80% परसेंट निकेल का क्वांटिटी रहता है एंड 20% परसेंट क्रोमियम होता है इस टाइप के हीटिंग एलिमेंट में अबाउट 1500-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ऑप्टेन किया जा सकता है नेक्स्ट है अलोए ऑफ निकेल क्रोमियम एंड आयरन इस टाइप के अलोए से बनने वाले हीटिंग एलिमेंट को अबाउट 850 degree डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसके एक टेम्परेचर राइज कर सकते हैं एंड कुछ और भी हीटिंग एलिमेंट है जो कि 1550 हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है लाइक सिलिकॉन कार्बाइड इस टाइप के हीटिंग एलिमेंट में 1600 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टेन कर सकते हैं डीसीआर फर्नेस रिसेंटली डीसी आर्क फर्नेस का भी यूज किया जा रहा है जो कि एडवांस्ड फर्नेस होता है कम्पेयर टू ए सी आर्क फर्नेस डी सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ओनली सिंगल ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है एंड अदर इलेक्ट्रोड बॉटम में इंबीडेड रहता है फर्नेस के बॉटम में इलेक्ट्रोड को प्लेस करने का डिफरेंट मेथड्स होता है जो कि एज एनोड बिहेव करता है एडवांटेजेज ऑफ डी सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस डी सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड कंजप्शन फिफ्टी परसेंट डिक्रीज होता है इस प्रोसेस में मेटल का मेल्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है डीसी आर्क फर्नेस में पावर कंजप्शन जो है वो फाइव टू टेन परसेंट डिक्रीज होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें